Clash of Clans. Play now. Hey Clashers, कैसे हो आप लोग? लाल गाइस, हम लोग टाउन हॉल 7 से आज के इस वीडियो में टाउन हॉल 8 में जाने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। इवन अभी का टाइम ना टाउन हॉल 7 या किसी भी टाउन हॉल को अपग्रेड करने का वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग में से एक है। वेल कैसे चलिए वीडियो में हम लोग आगे पता लगाएंगे, बट इसके पहले गाइस मैं आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर esport4g.com के बारे में बता दूं। esport4g.com इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग मार्केट प्लेस है, जहां पे आपको गेमिंग से रिलेटेड काफी सारी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। जस्ट लाइक हो गया गेमिंग ट्यूटोरियल्स, या फिर इन गेम आइटम, या फिर आपको हो गया गेम से रिलेटेड बूस्टिंग, वो सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ साथ आपके पास चांसेस होता है गेमिंग स्टप को ट्रेड करके मनी भी अर्न करने का। वेल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप एक बार जरूर साइट को विजिट कीजिएगा। अगर आप RS Clash कोड यूज करते हो तो आपको एक बम्पर डिस्काउंट भी उस साइट पे देखने को मिलेगा। वेल क्लैशर्स, यार यहां पे हम लोग सबसे पहले टाउन हॉल 7 का सबसे आखिरी अटैक्स के लिए चलते हैं। इसके बाद मेरे पास ना कोई अकाउंट बचा है टाउन हॉल 7 का, ना ही अभी शायद फ्यूचर में मेरे पास टाउन हॉल 7 का कोई अकाउंट रहेगा। तो अभी से मैं टाउन हॉल 8 में कन्वर्ट होने वाला हूं, तो एक आखिरी अटैक टाउन हॉल 7 से रिलेटेड चलिए हम लोग कर लेते हैं, जहां पे एक बहुत ही शानदार लूट मिले। ओके, वो क्या बात है क्लैशर्स, टाउन हॉल 7 ही मिला है। टाउन हॉल 7 पे देखो ऑलमोस्ट यहां पे यार 6 to 7 lakh का लूट है, वन ऑफ द ऑसम लूट में से एक है। तो हम लोग इस बेस को टेक डाउन करेंगे। और क्लैशर्स लेट मी नो कि टाउन हॉल 7 से 8 में आप लोग बताओ आपके हिसाब से कौन सा आइटम सबसे बेस्ट है, एलिक्सिर गोल्ड या फिर डार्क एलिक्सिर, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस बेस को टेक डाउन करते हैं। ड्रैगन अटैक वन ऑफ द बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी टाउन हॉल 7 का है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किंग को ड्रॉप करते हैं, जिससे अपना रोटेट करने का जो चांस है ड्रैगन का वो कम हो जाएगा। ओके, ड्रैगन के रोटेशन को हम लोग यहाँ पे कम करेंगे 7-11। यहाँ पे हम लोग ड्रैगन को स्पैम कर रहे हैं। ओके, और एक कॉर्नर से लून आएगा, कुछ लून ऊपर के भी कॉर्नर से आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग का बूस्टिंग आएगा और ऊपर से भी एक हम लोग बूस्टिंग करने वाले हैं। ओके, अब लून क्या है ना कि आराम से एडी को फोड़ देगा और ड्रैगन सारे के सारे बचे रह जाएंगे और बेस ईजली यहाँ पे 3-star कन्वर्ट हो जाएगा। यार मुझे नहीं लगता यहाँ पे हम लोग ज़्यादा अपने ड्रैगन को गवाए भी हैं। एक बहुत ही शानदार ढंग से हम लोग इस बेस को 3-star करने में कामयाब रह गए। 82% का हाई डिस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिल चुका है, कोई भी डिफेंस बिल्डिंग बचा नहीं है। और यहाँ पे अब हम लोग 3-star की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यार है ना, बहुत शानदार ये अटैक स्ट्रेटजी टाउन हॉल 7 का। सो आई हाईली प्रिफर कि टाउन हॉल 7 में आप लोग ड्रैगन अटैक करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट अटैक है। फार्मिंग भी हो जाता है, अच्छा खासा लूट अच्छा खासा मिलता है, और साथ में वो अटैक के लिए तो सबसे बेस्ट है ही यार, पुशिंग के लिए भी सबसे बेस्ट है। सो इसी के साथ साथ ये था हम लोग का आखिरी टाउन हॉल 7 का अटैक। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे टाउन हॉल 8 में, और यहाँ पे हम लोग फाइनल अपग्रेडेशन करते हैं टाउन हॉल 8 में। इसे हम लोग फिनिश करेंगे बुक ऑफ बिल्डिंग से। क्या मेरे पास बुक ऑफ बिल्डिंग है? तो यहाँ पे मेरे पास बुक ऑफ बिल्डिंग तो नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग इसे जेम से ही फिनिश कर देते हैं। 506 कुछ जेम ले रहा है, इसे हम लोग फिनिश कर देते हैं। एंड कुछ टाइम का यहाँ पे हम लोग को बूस्टिंग देखने को मिला है, और शानदार सा यार यहाँ पे अब देखो ये क्या है। ओ ओ ओ ओ, डेली डील्स, ट्रेनिंग पोशन, रिसोर्स पोशन एंड रूल्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पे हम लोग को फिलहाल कोई भी एक अच्छा वैल्यू देखने को नहीं मिला। क्लैशिवर्सरी डील जो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे क्लैशिवर्सरी डील का मुझे चूना लग गया यार, मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। यहाँ पे आप लोग देखो क्लैशिवर्सरी डील में लिखा हुआ है कुछ स्पेशल मैजिकल आइटम एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फ्री तो कुछ भी नहीं दे रहा है यार, और पूरा का पूरा आइटम कॉस्ट ही ले रहा है। यहीं पे मैं आप लोगों को दूसरा अकाउंट चेंज करके दिखाऊं, तो आप लोग देखो किसी भी अकाउंट में जहाँ पे मेरे पास ट्रेडर अनलॉक था, यहाँ पे आप लोगों को क्लैश एनिवर्सरी डील में एक फ्री बुक ऑफ बिल्डिंग देखने को मिल रहा है। देख रहे हो यार, देखो इस अकाउंट में भी आपको यहाँ पे फ्री बुक ऑफ बिल्डिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं 100% मेंशन करना चाहूंगा यार, अगर जिस भी क्लैशर्स के पास ये डील है, यानी टाउन हॉल 8 जो पहले से किए हुए हो उनके पास ये डील आया होगा, और ये डील को आप लोग सारे के सारे चीजों को ना ग्रैब कर लो।
सारा चीज यहाँ पे एक वैल्यूएबल मैजिकल आइटम आप लोग को एकदम लो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको छोड़ने का नहीं यार, सब लोग कलेक्ट कर लेना, नहीं भी खेलते हो तो गेम ओपन करके एक बार कलेक्ट कर लो, मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। ओके क्लैशर्स, तो यहाँ पे अब फाइनली अब हम लोग को इस जगह अगेन हम लोग को बुक ऑफ बिल्डिंग देखने को मिल गया टाउन हॉल 8 में भी। यानी इसका मतलब थोड़ा सा ग्लिच होता है, आप टाउन हॉल 8 में तुरंत जा रहे हो ना, थोड़ा गेम ऑफ करके ऑन करो या अकाउंट शिफ्ट करके फिर से और अकाउंट में, तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग को देखने को मिल गया है। ट्रेनिंग पोशन भी ले लेते हैं एंड रिसर्च पोशन भी ले लेते हैं। रिसर्च पोशन लेने से पहले मैं सबसे पहले लैबोरेटरी को यहाँ पे मैक्स आउट कर लेता हूँ। 16 आवर का टाइम ले रहा है यार यहाँ पे, तो बुक को इस्तेमाल करना भी मुझे व्यर्थ लग रहा है 16 आवर के टाइम में। सो देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई टाइम कौन ले रहा है। ठीक है, हाईएस्ट टाइम किसका है अपग्रेडेशन का, डार्क स्पेल फैक्ट्री 6 आवर ले रहा है, ये भी व्यर्थ है यूज़ करना। एंड बैरक 1 day 12 आवर ले रहा है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे बैरक को आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूज़ करना होगा। और बाकी तो एक एक दिन में यहाँ पे सारे की चीज़ें अपग्रेड हो जा रही है यार, हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 days का टाइम ले रहा है, तो एडी पे यूज़ करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आई थिंक। एक बार सीसी भी चेक कर लेते, सीसी भी 1 day ही ले रहा है, तो एडी सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो एडी पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले से जेम मार देता हूँ। सबसे पहले जितने भी ऑफेंसिव बिल्डिंग है ना, उन सारे ऑफेंसिव बिल्डिंग को हम लोग सबको सबसे पहले अपग्रेड करना है। आर्मी कैंप नहीं होगा टाउन हॉल 8 में, रहने देते हैं अभी। और हम लोग ज़्यादा क्लैश ऑफ क्लैन खेलेंगे तो इसलिए डार्क, तो इसलिए गोल्ड माइन और इलिक्सिर कलेक्टर को भी रहने देते हैं, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। ओके क्लैशर्स, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने बैरक सबको भी कर लेते हैं 18 आवर में, यहाँ पे बैरक भी हो जाएगा। सो यहाँ पे एक बैरक को अपग्रेड पे लगा देते हैं, एक बैरक हम लोग का इधर से लगेगा, पैका एक से निकल जाएगा, दो बैरक को हम लोग अपग्रेड पे लगा दिए। एंड यहाँ पे फिर हम लोग को एक सीसी को भी लगाना है, जो कि सीसी का भी मेरे पास कॉस्ट नहीं है, तो सीसी को भी रहने देते हैं। सो उसके बदले हम लोग और भी दूसरी दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं अपग्रेड पे, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ इलिक्सिर रहता तो यहाँ पे हम लोग डार्क इलिक्सिर स्टोरेज को अपग्रेड कर लेते। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसको भी नहीं कर पाऊँगा। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इलिक्सिर को फील कर लेते हैं। ओके, अब एलेक्सिर को फील करने के बाद सबसे पहले डार्क स्टोरेज को अपग्रेड कर लेता हूँ, एंड गोल्ड स्टोरेज को भी अपग्रेड करना है, स्पेल फैक्ट्री को भी। अच्छा, स्पेल फैक्ट्री नहीं होगा, तो एक काम करते हैं डार्क स्पेल फैक्ट्री को यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, डार्क स्पेल फैक्ट्री आ जाएगा हम लोग का इस जगह। ओके, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा डार्क बैरक भी। ओके, पांचों के पांचों बिल्डर हम लोग बिजी कर चुके हैं, सारे के सारे बिल्डर हम लोग ऑफेंसिव बिल्डिंग है ना उन पे स्पेंड किए। और यहाँ पे मैं क्लैशर्स कहना चाहूंगा कि आपके लिए अभी का टाइम सबसे बेस्ट टाइम रहेगा जब आप यहाँ पे बूस्ट करोगे अपने बिल्डर को। ओके, मैं एक बिल्डर को बूस्ट कर देता हूँ, पांचों के बिल्डर तुरंत 1 घंटा में ही खाली हो जाएंगे, जिससे और भी जल्दी हम लोग सेकेंड बिल्डर अपग्रेड पे लगा पाएंगे। गाइज मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ ना, इस तरह से ओनली 1 week में टाउन हॉल 8 को मैक्स करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है, 1 week के अंदर मैं आपको इजिली टाउन हॉल 8 को मैक्स करके दिखाने वाला हूँ, ये आप देख लेना। 1 week के बाद हम लोग का स्टिल टाउन हॉल 8 पे वीडियो आएगा, जहां पे हम लोग का मैक्स टाउन हॉल 8 होगा, उसके पहले ही कर लेंगे। आप लोग बस मेरे साथ स्टे ट्यून लेना, मेरे पास जितना भी मैजिकल आइटम है ना, यहाँ पे देखो जितना भी मैजिकल आइटम है, जितना भी मेडल्स है, बस इतना ही मेडल्स मैं यूज करूंगा, इतना ही मैजिकल आइटम यूज करूंगा, और मैं 100% टाउन हॉल 8 मैक्स होगा 1 हफ्ता के अंदर। चलिए कैसे मैं पता लगाऊंगा और आपको भी बताऊंगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले लैबोरेटरी को भी मुझे अपग्रेड करना था, तो लैबोरेटरी तो टाउन हॉल 8 में अपग्रेड नहीं होगा, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट वैल्यूएबल टाउन हॉल 8 का भी ड्रैगन अटैक स्ट्रेटजी होता है, तो ड्रैगन को मैं यहाँ पे सबसे पहले अपग्रेड पे लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं बूस्ट कर देता हूँ, 2 boosting कर लूंगा ना, तो ड्रैगन ऑलमोस्ट 1 दिन में अपग्रेड हो जाएगा। हालांकि 3 boosting कर देता हूँ, 3 boosting में 3 घंटे में मेरा अब ड्रैगन पूरा फुल्ली अपग्रेड हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ से 2 मैं और परचेज कर लेता हूँ। ओके, तो ये एक मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। यहाँ पे रिसोर्स कुछ मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, एंड थोड़ी देर में सारे के सारे बिल्डर्स से यहाँ पे मेरे फ्री होंगे, स्टिल मैं फिर से दूसरी अपग्रेडेशन लगा लूंगा। यानी आज
लगभग मैं 20% अपग्रेडेशन अपना इस विलेज का कंप्लीट कर लूंगा, 20 से 30%। काफी मजा आने वाला है। होपफुली अगर आप टाउनल 7 मैक्स हो तो अभी के टाइम में टाउनल 8 जाकर के आप भी इजिली अपने बेसिस को मैक्स आउट कर सकते हो क्लैशर्स। एंड यहाँ पे मैं कुछ ड्रैगन अटैक्स को ट्रेंड करके भी रख लेता हूँ। ड्रैगन अटैक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल अटैक मुझे लगता है टाउनल 8 का भी, स्टिल टाउनल 7, 8 और 9 तीनों का बहुत अच्छी अटैक स्ट्रेटजी में से एक है। सो गाइसेस ये था टाउन हॉल 8 के प्रायोरिटी लेवल जो कि आपको स्टार्टिंग में फॉलो करने हैं और जल्द से जल्द अपने बेसिस को मैक्स करना है। हम लोग चलो और भी मिलेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन क्लैशर्स।